आप गाड़ी पर चढ़ते हैं तो गाड़ी में घोड़े की क्या जरूरत है भाई, जनसंख्या पूरी समाप्त करने की, और आप ये कर सकते हैं। और जो अत्याचार अनाचार में पहले रावण के रूप में करता था, सब दवाई में भीतर कलयुग बसा है बाहर नहीं, दिमाग में ही घुस गया, आदमी को समझ में नहीं आता। नहीं, हम तो ये वाले संस्था वाले हैं, हम तो कृष्ण जी को मानने वाले हैं, राम जी की कथा। अंधों ने हाथी देखा ही नहीं था काम में, तो एक ने पूंछ पकड़ लिया, चिल्लाया, सूंड पकड़ के छू छू के देख रहा था। तभी एक और चिल्लाया जो कान पकड़े हुए था, बोले ना ना सूप की तरह होता हाथी, एकदम मेरा अनुभव है, जिंदगी भर का अनुभव बता रहा। हाथी कैसा होता है बताइए? बोले सब मूर्ख है, और आपके अनुभव में पूरा परमात्मा नहीं आ सकता, पूरे ईश्वर को आप अनुभव कर सकते हैं फिर बता नहीं सकते। गूंगा यदि गुड़ खाए और पूछे कि कैसा लगा, तो बस बोलेगा, वो बोल नहीं सकता। आता है ईश्वर आपको तो धोखा दे रहा है, क्योंकि जो अनंत है, असीम है, समा ही नहीं सकता, कैसे बता पाएंगे तुलना कर। जो कभी मरेगा नहीं, जो प्रकृति का नियम है, गंगा जी बह गई, तीन बार नहा ले क्या दिक्कत है, तो वो नियम यहां लागू करेंगे तो ठीक नहीं है। हर जगह के अलग अलग नियम है। अब कहीं सौतेली बेटी से शादी करना महापाप है, लेकिन एक धर्म है जिसमें धर्म है या अधर्म है, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से वो ग्रंथ लिखे गए, वो जाने। हमारे लिए तो अधर्म है। मंदिर